जय हिंद साथियों मैं आर्यन सर विजय पथ कम्पटिशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं जैसा कि हमारा पर डे वीडियो आता है यूट्यूब पर आज उसी क्रम में हम एक वीडियो देखेंगे जिसका नाम है शब्द कोश क्रम शब्दकोश क्रम ठीक है शब्दकोश क्रम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और किस किस तरीके से आता है देखिए जब भी आप कोई डिक्शनरी पढ़ते हैं जब किसी डिक्शनरी को हमें पढ़ना होता है और उसमें शब्द में खोज करना होती है तो शब्द को उसका जो क्रम होता है उसकी बड़माला में और हमारी जो हिंदी साहित्य की बड़माला में डिफरेंट है जैसे कि आप साहित्य की बड़माला जो पढ़ते हो हमारी दो बड़माला होती हैं एक होती है हिंदी साहित्य की बड़माला हिंदी साहित्य की बड़माला तो जो हिंदी साहित्य की बड़माला होती है उसका अगर कोई पूछे कि भाई पहला वर्ड क्या होता है तो इसका पहला वर्ड हमारा छोटा स्टार्ट होता है लेकिन अगर आपसे पूछे कुछ शब्दकोश की बड़माला शब्दकोश क्रम की बड़माला अगर शब्दकोश क्रम की वर्णमाला की हम बात करें तो शब्दकोश क्रम की वर्णमाला क्या होती है इसका पहला वर्ण क्या होता है तो इसका पहला वर्ण होता है हमारा अनुस्वार देखिए इतना अंतर होता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य उसमें छोटा आ रहा है उसमें पहला वर्ण क्या हो रहा है ये अगर पूछे कि इसका अंतिम वर्ण क्या होता है इसका अंतिम वर्ण तो, तो वर्ण हमारा पे रुकता है। और इसका वर्ण हमारा क्या होता है? हाँ पे लगता। पहला वर्ड तो इसमें क्या है और इसका पहला वर्ण क्या है उसके बाद इसका हमारा अंतिम वर्ण पूछ लिया जाता है तो इसका अंतिम वर्ण द्विगुण और इसका अंतिम वर्ण हा होता है और हमारी जो बड़माला है अनुस्वार से स्टार्ट होकर इसमें शब्दकोश में पे खत्म हो जाती है छोटा से स्टार्ट होकर और आपस खत्म होती है यह हमें देखना है ये वाली बड़माला हमारी चुकी हो चुकी है बेटा शब्द कोश की हमें बड़माला पढ़नी होगी अब शब्द कोश की अगर बड़माला होगी तो इसी क्रम में जैसे आपके कुछ शब्द हैं वहां क्रम पूछा जाता है जैसे आपके सामने शब्द रख दिया जाए कंचन कंचन शब्द आपके सामने रख दिया जाए फिर आपके सामने रख दिया जाए कांच और तीसरे नंबर पर शब्द रख दिया जाए क्यारी और चौथे नंबर पर रख दिया जाए कोमल और आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि शब्दकोश की क्रममाला के हिसाब से शब्दकोश की बड़माला के हिसाब से इसमें सबसे पहला नंबर किसका होगा जैसे आपका एक है दो है तीन है चार है ठीक है अगर इसमें देखा जाए नंबर क्रमबद्ध तरीके से लगाना हो तो सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा शब्दकोश की बड़माला के हिसाब से अगर आप हिंदी साहित्य के हिसाब से देखोगे तो आप पहले सबसे पहले छोटा देखोगे लेकिन अगर शतुकोष के हिसाब से देखना है तो सबसे पहले हमें कौन सा शब्द लगाना है सबसे पहला नंबर हमारा बेटा ये होगा शतुकोष क्रम के हिसाब से दूसरे नंबर पर हमारा ये आएगा तीसरे नंबर पर हमारा ये आएगा चौथे नंबर पर हमारा ये आएगा मतलब इस तरीके से क्रम होगा अगर बात की जाए तो हमारा ये पहला नंबर है कंचन दूसरा नंबर है कांच तीसरा नंबर है कोमल और चौथा नंबर है क्या अब ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आपको पूरी शब्दकोश की वर्णमाला आती हो अगर शब्दकोश की वर्णमाला आप पूरी तरीके से याद की हुई होंगे तब जाकर इस तरीके का सब्दुकोष का क्रम लगा सकते हैं चलो फिर एक नजर बेटा बड़माला देख लें जो आपने बड़माला पढ़ी है तो उसमें और इसमें शब्दकोश की बड़माला में क्या अंतर होता है तो हम देखते हैं कि जो शब्दकोश क्रम है इसकी बड़माला की बात चलेगी कि शब्दकोश क्रम की बड़माला आखिर क्या होती है अब शब्दकोश क्रम की जो बड़माला है जो हमारे टोटल अगर देखा जाए स्वर जो हमारे होते हैं तेरह होते हैं व्यंजन हमारे तैतीस होते हैं और जो तैंतीस व्यंजन उसका अंतिम वर्ण हा होता है ठीक है वहीं पर सारी चीज़ें हो जाती हैं बाकी हमारे तो चार वड़ ये होते हैं का होता है त्रा होता है क्या होता है त्रा होता है चार वड़ ये होते हैं और फिर हमारा अड़ा और ये अड़ा ये बात के वर्ण हैं इन सारे वर्णों को हमें क्या करना होता है इसकी बड़माला में सजाना होता है कि बड़माला में कैसे कहाँ पर कौन सा बड़ा अगर इसकी बड़माला की बात करें तो आपने हिंदी की बड़माला जो याद कर रखी बेटा वो कहाँ से याद की थी वो याद की थी यहाँ से उठा पड़ा बड़ाऊ, पड़ी उटाऊ पड़ाऊ री एस इसके बाद आपने बड़माला में अंग और आहा याद किया था लेकिन ये हमारे साहित्य की बड़माला का क्रम है और जब हम शब्दकोश के क्रम का पढ़ेंगे तो ये वर्ड यहाँ से हट के कहाँ पर जाएंगे बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा शुरू में क्या जाता है अनुस्वार फिर क्या जाता है हमारा आहा और इसके बीच में एक वर्ड और लिया जाता है जो अरबी फारसी का होता है वह आ तो, तो हमारा स्वर का बेटा क्रम हो गया अब बात आती है कि बड़माला में ये जो वर्ड होते हैं पहले इन वर्णों का विच्छेद समझ लीजिए किसके बाद आता है बेटा ये का के बाद आता है ये किसके बाद आता है ये ता के बाद आता है ये किसके बाद आता है जा के बाद आता है ये किसके बाद आता है शाह के बाद आता है बाकी आपको मैंने विच्छेद में ये चारों वड़ बता रखे हैं कि कैसे ये चारों वड़ टूटते हैं एक एक वड़ का क्रम बता रखा है अब आपको देखना है कि ये वड़ वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर ये वड़ आपके होंगे जैसे आप अगर लिखते हो पहला वर् क्या लिखते हो अगर यहाँ बात की जाए क्या आपने यहाँ लिखा का आ आ, आ, आंगा पहले पूरी वर्णमाला में हम लिख लेते हैं चा छा चा या फिर हमारा होता है टा पा या फिर हमारा होता है ता फिर होता है हमारा पा 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 आ फिर हमारा होता है बेटा या रा ला वा। फिर हमारा होता है शा सा सा और हा ये अंतिम वर्ण होता है यहाँ पर हमारी बड़माला क्या होती है फिनिश हो जाती है अब जो हमारे यहाँ पर जो वर्ण हैं कि ये छा जो है ये छा कहाँ आता है हाँ देखो का के पड़ोस में जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पहुँच जाएगा तो का के बाद छा आता है ठीक है अब बात आती है तेरा के तेरा कहाँ पहुँच रहा है ता के पड़ोस में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा आ जाएगा फिर बात गया है गया किसके पड़ोस में जा रहा है हमारे जा के पड़ोस में जा रहा है शरा कहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा शरा आ जाएगा फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि हमारे दुई गुण जो तारण जात व्यंजन होते हैं ये व्यंजन अपने हम सकलों के पास पहुँच जाएंगे जैसे यहाँ पर यह आ जाएगा और यहाँ पर यह आ जाएगा तो ये हमारी होती है बड़माला शब्द कोश क्रम की बड़माला अब कभी भी आपको डिक्शनरी में कोई भी शब्द देखना है तो इन्हीं वर्णों के अनुसार देखना है क्योंकि अगर का आएगा तो का के बाद छा आएगा छा चा के बाद खा फिर गा फिर घा फिर अंगा फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चा आएगा छा आएगा जाएगा झा क्या आएगा आएगा यहाँ तो ये जो हमारे वर्ण हैं ये वाले वर्ण इंपॉर्टेंट वर्ण हैं ये अपनी पोजिशन के साथ जहाँ जहाँ इनको लगना होता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं ये छः वड़ इसलिए इनको बीच में रख दिया जाता है ये इन्हीं से बने हुए वर्ण हैं बाकी हमारी वर्णमाला का से स्टार्ट होती है व्यंजन हाँ पे ख़त्म हो जाता है और अनुस्वार से स्टार्ट होती है और पे खत्म हो जाती है अब बात करते हैं कि इसमें जो स्वर की मात्राएं होती हैं उन मात्राओं का क्रम आखिर किस तरीके से व्यंजन में लगता है आपसे अगर पूछा जाए कि का की पोजीशन और आधे का की पोजीशन क्या है ये कितने में नंबर पे आएगा क्या आपको पता है कि पहले नंबर पर हमारा क्या आता है बेटा अनुस्वार आता है क्या आता है अनुस्वार तो अगर हम बात करें हमने यहाँ पर जो स्वर याद कर रखे हैं कौन कौन से कर रखे हैं अनुस्वार चंद्र बिंदु वाला फिर उसके बाद कहा फिर हमारा इसमें होता है आहा, फिर छोटा चौथे नंबर पर आता है फिर हमारा बड़ा आता है फिर छोटी आता है फिर बड़ी आता है फिर छोटा वो फिर बड़ा वो फिर री फिर ए फिर ए फिर ओ फिर ओ इनके हमने स्वर पीछे लिखे हैं ये स्वर हमारे क्या कर रखे हैं हमने पीछे लिख रखे हैं अब इसी के हिसाब से हमारा क्या चलता है जितने भी व्यंजन आते हैं जितने भी व्यंजन होंगे वो इन्हीं मात्राओं के हिसाब से आएंगे अब इनका अगर इनकी संख्या आप देखें इनकी संख्या है क्या नंबर डाल लें तो ये एक नंबर का है ये दो नंबर पे आता है ये तीन नंबर पे आता है ये चार नंबर पे ये पाँच नंबर पे ये छः नंबर पे ये सात नंबर पे ये आठ नौ ये दस ग्यारह ये बारह ये तेरह चौदह तो जितने भी स्वर हैं वो केवल चौदह तक अपनी संख्या बनाते हैं और चौदह के बाद जितने भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो सिर्फ आपके आधी हो जाती अब हमारा पहला वर्ड था क्या पहला वर्ड हमारा का था क्या था पहला वर्ड तो का को हम कितने बार लिख सकते हैं का को हम इतने ही बार लिखेंगे जितना यहाँ पर का आपका है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह हमारे स्वर होते हैं और चौदह ही बार हमने का लिख लिया अब उसके बाद स्वर है नहीं तो इसका मतलब आधा का कहाँ जाएगा लास्ट में जाएगा अब इस पर अगर हम मात्राएँ लगाने की बात करते हैं तो इस पर तो उदासीन होता है इसमें छोटा की मात्रा है इसमें छोटा की मात्रा है कि उदासीन होती है इसलिए इसको हम उदासीन बोलते हैं अब इसमें कौन सी मात्रा है का की मात्रा है इसमें सॉरी इसमें हमारी कौन सी मात्रा है एक मिनट थोड़ा सा ये हमारा का है का लिख लेंगे हम कितने बार है हमारा ये का और का ठीक है अब ये मात्राएं चलेंगी किससे चलेंगी पहले छोटा नहीं आएगा बेटा पहले हमारा इसमें क्या आएगा ठीक है अब इसमें मात्राएं लगाना स्टार्ट करेंगे व्यंजन की तो व्यंजन की मात्रा है क्या इसमें देखो पहले अनुस्वार है तो पहले नंबर पर अनुस्वार आएगा दूसरा चंद्रबिंदु है तो डंड लगा के हमारा क्या आएगा चंद्रबिंदु आएगा तीसरे नंबर पर इसमें हमारा उदासीन है इसमें जो छोटा आ है जो दिख नहीं रहा है हमारा वो छोटा आ क्या है वो उदासीन कहलाता है कैसा कहलाता है उदासीन मात्रा इसमें होती इसमें काम आकांडा कामे छोटी की मात्रा कामे बड़ी की मात्रा कामे छोटू की मात्रा कामे बड़ू की मात्रा कामे काम है एक की मात्रा कामे एक की मात्रा है ओ की मात्रा है और की मात्रा अंतिम वर्ण का होगा अब इससे कोई भी शब्द बनेगा आपको किसी भी शब्द को देखना है तो पहला नंबर देख लेना अगर का वाली बात आएगी तो चौथे नंबर की पोजिशन है अगर को वाली बात आएगी तो आपका कितने नंबर पोजिशन है देखो बारहवें नंबर है नंबर पोजिशन है अब जितने भी आपके वर्ण हैं जितने भी वर्ण हैं आप उन वर्णों को बनाओगे तो सारे वर्ण किस हिसाब से बनेंगे वो सारे वर्ण इसी हिसाब से बन जाएंगे अब इसके बाद का के बाद आता है क्या अभी छा आता है तो भी छापे अनुसार होगा फिर छापे क्या होगा छापे चंद्रबिंदु होगा ऐसे ही हम अगर एड्रेस करके ले जाएँ तो अंतिम बड़ क्या होगा अंतिम बड़ हमारा आधा छा होगा ये आधा तरीके छा होगा ऐसे बना लो या फिर ऐसे करके बेटा बना के ये आधा छा हो गया ऐसे अगर हम बात करें तो इसके बाद तीसरे नंबर पर खाएगा खा पे अनुस्वार होगा और खा पे हमारा चंद्र बिंदु होगा और फिर उसके बाद डेड डेड डैश अगर हम इसकी बात करें तो अंतिम बड़ हमारा क्या होगा खा आधा ही होगा हलंत होगा आधा बड़ हमेशा अंतिम लास्ट बड़ होता है और ऐसी अंतिम की बात करें तो जितने भी वड़ हैं पूरी बड़माला के वड़ इसी क्रम में चलते हैं अंतिम वर्ण हमारा क्या होता है भाई हा होता है हा पे भी सेम कंडीशन चलेगी जैसा हमारा हा का होता है ठीक है और इसकी भी बात करें डे डेड डेस डे, तो अंतिम में क्या होगा आधा हा हुआ तो इस तरीके से हमारी कुल मिलाकर पूरी बड़माला कंप्लीट हो जाती है और इसी क्रम में हमें कोई भी शब्द लगाना होता है जैसे कि अगर मैं एक शब्द की बात करूँ आपके सामने एक शब्द लिख दूँ जैसे यहाँ पर हमारे शब्द सामने है और एक शब्द है कांच और एक शब्द है किताब ठीक है अब इस पर आप को कोई नंबर कि कौन सा नंबर पे कौन सा शब्द आ रहा है तो आपको पता होगा कि आप देखते ही बड़ बता दोगे कौन सी पोजिशन किसके साथ जा रही है क्योंकि आधा का शुरू में है तीनों में का है और आधा का ये है तो ये तो मान लो ये अंतिम बड़ होगा ये तीसरा होगा अब बात आती है छोटी ही पहले आता है चंद्रबिंदु आता है तो ऑलरेडी आपको पता है चंद्र बिंदु दूसरे नंबर पे है और छोटी कितने नंबर पे है छठे नंबर पे है तो हंड्रेड परसेंट यही चीज़ आपकी क्या आएगी दूसरे नंबर पे आ जाएगी और फिर ये चीज़ क्या होगी आपकी सॉरी ये चीज़ हमारी कौन से नंबर पर आ जाएगी बेटा पहले नंबर पर पह आ जाएगी और ये चीज़ कौन से नंबर पर आ जाएगी दूसरे नंबर पर आ जाएगी कुल मिलाकर इसका जो क्रम है सबसे पहले कांच आएगा उसके बाद किताब आएगा उसके बाद क्या आएगा क्यारी आएगा इस तरीके से सबको उसका क्रम हमारा क्या होता है बनता है इसी सब क्रम में हम शब्दों को उस बनाते हैं अब आगे कुछ शब्द देखते हैं और आपको उसका क्रम बनाना है ठीक है जैसे अगर हम शब्दों की कुछ बात कर लें आपके सामने शब्द है अक्षर ये ए पॉइंट है फिर वो बी पॉइंट है आँच सी पॉइंट है कोमल डी पॉइंट है है, केला और डी पॉइंट है कोमल ये हमारे छह वर्ण हैं। अब इन छह वर्णों का हमें क्रमबद्ध बनाना पड़े तो क्रम क्या बनाना होगा और किस तरीके से इस पर हम नंबर लगाएंगे अक्षर पहला नंबर होगा आच होगा कोमल होगा कुआरा होगा केला होगा या कोमल होगा अब मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटल हमारे कुल मिलाकर चौदह स्वर होते हैं चौदह स्वर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु भी हो जाता है इसलिए चौदह स्वरों की संख्या होती है अंतिम वर्ण हमारा आधा माना जाता है तो ये तो आप चला लो कि जहाँ पर भी आधा वर्ण है वो हमेशा अंतिम वर्ण होगा तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः पड़े हुए हैं अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो छोटा और आँच तो चंद्रबिंदु वाला पहले आता है फिर बाद में आता है तो इसका मतलब ये पहला नंबर हमारा है छोटा आएगा चौथे नंबर पर मगर बाकी सब व्यंजन है जब बाकी सब व्यंजन है तो ये हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा ये हमारा दूसरे नंबर पे अब हमारी बात चलती है कि भाई एक ही मात्रा पहले आती है कोमल दो बार हो गया सो यहाँ पर आप लिख दो को हटा ही दो थोड़ी ठीक है इस शब्द को हटा दो क्योंकि एक सा हो गया रिपीट हो गया अब यहाँ पर अगर बात की जाए किसमें नंबर पड़ेगा एक ही मात्रा पहले आती या फिर ओ की मात्रा पहले आती तो आपको पता है कि पहले आती एक ही मात्रा तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर चौथे नंबर पर हमारी ये मात्रा आती है ओ की और लास्ट में अंतिम में हम सबसे बाद में किसे को रखेंगे आधे बड़ को तो जो आधे वाला अक्षर होता है वो सबसे अंतिम वर् कहलाया जाता है ये सबसे अंतिम में रखा जाता है अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आप देखो खुद से सॉल्व करो इसमें किस तरीके का नंबर बनेगा जैसे आपके सामने शब्द है नंबर वन पे आपका है क्षमता नंबर दो पे है अक्षा नंबर तीन पे है हल नंबर चार पे है टमाटर नंबर पाँच पे है नाली अब इनका नंबर डालना है आपको बाक़ायदा ये आपको बड़माला जो है इसमें हाँ भी है का भी है और मैंने आपको बताया है कि जो साहित्य की बढ़वाला होती है उसमें छा बहुत पीछे होता है और जो हमारी शब्दकोश की बड़वाला होती है उसमें छा काफ़ी करीब में होता है तो अब आपको इसमें देखना है कि इसमें अगर नंबर डालना पड़े तो पहले क्षमता शब्द आएगा पहले डिक्शनरी में कक्षा शब्द आएगा पहले हल आएगा टमाटर आएगा या अनाड़ी आएगा पाँच शब्द है पाँच शब्दों में अगर देखा जाए कि तो किस तरह की चीज़ें आएंगी तो देखो नंबर अगर हम इसमें डालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें स्वर देखना होता है अगर कोई भी चीज़ स्वर से है तो पहला नंबर भाई उसी का रहेगा और फिर हमें व्यंजन देखने होता है और व्यंजन में भी हमें मात्राओं के हिसाब से देखना होता है कि जो व्यंजन है उनकी मात्रा आखिर क्या होगी ठीक है तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या इस तरीके से है क्या होगा इसका नंबर तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा इसमें छोटा सबसे पहले हमारे यहाँ छोटा आ गया तो पहला नंबर ये पड़ गया अब इसमें देखते हैं कि बड़माला में कौन सा वर्क कितने अंदर आ रहा है तो का से स्टार्ट हम करते हैं कोई भी चीज़ तो का होता है का के बाद छा होता है तो इसका मतलब ये का जो है ये हमारा कितने पहुँचेगा दूसरे नंबर पर पहुँचेगा और छा जो हमारा है वो कितने नंबर पहुँचेगा तीसरे पहुँचेगा अब हा और टा में देखना है आपको पता है हा अंतिम बड़ होता है टा पहले का बड़ होता है तो इसलिए कितने नंबर पर आएगा चौथे नंबर पर ये आएगा हमारा पाँचवें नंबर ठीक है तो ये हमारा क्या है ये एक बहुत छोटा सा -चो टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं शब्द हिंदी है। का साहित्य का शब्द है और आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो रहेगा कल एक नए वीडियो के साथ लंबे वीडियो के साथ मिलेंगे धन्यवाद थैंक यू